चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। इसके लिए पंचायती राज सचिव हरिचंद सेमबाल ने आदेश जारी किए हैं। सरकार के इस आदेश पर रजनी भंडारी के पति और बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि सत्ता की ताकत के बल पर सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को मैंने चुनाव में हराया है और इसी की वजह से वो सत्ता की ताकत के जरिए बदला ले रहे हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हार तो हमारी 23 विधानसभाओं में हुई है उत्तराखंड में, लेकिन जहां भी शिकायत आएगी, जहां भी जांच में जो कुछ ना कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी, उस पर हम कुठाराघात जरूर करेंगे। इसमें कहीं भी महेंद्र भट्ट जी का विषय नहीं है, इसमें कहीं भी बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है। हमारा एक ही सिद्धांत है कि जहां गड़बड़ी होगी, जहां भ्रष्टाचार होगा, वहां हम चोट जरूर करेंगे। जब कमिश्नर की जांच में कोई भी तेनिमित्ता नहीं पाई गई, कोई भी रुपये का जो है लेन देन नहीं हुआ है, तो फिर किस आधार पर हटा रहे हैं वो? मेरे कहने का मतलब है कि महेंद्र भट्ट जी मेरे से चुनाव हारे हैं और चुनाव का बदला लेने के लिए वो जो है सरकार की ताकत के बल पे रजनी भंडारी को उन्होंने जिला पंचायत के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। तो ये सरकार है, सरकार चमड़े के सिक्के चला रही है, जैसे मर्जी वैसे कर रही है और अपनी ताकत के बल पे चुने हुए प्रतिनिधियों का इस तरह से जो है हटा रही है। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बुरा अध्याय है और मैं समझता हूँ कि समय सबका आएगा। आज उनके पास सत्ता है तो सत्ता का जितना दुरुपयोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं।